इतनी गर्मी में भी इतना जाम है आज, पता नहीं क्या चक्कर है। बहुत ज्यादा गाड़ियां, वो देखो कितनी ज्यादा। अभी हम यहाँ से एंटर होंगे, पिछले गेट से पहले उधर जा रहे थे तो वो बोलते इस गेट से जाना है, यहाँ पे तो गाड़ियों की लाइन काफी ज्यादा दिख रही है। तो ये जॉब कार्ड बनवाने गए थे हम, तो ये बन गया हमारा, सारा कुछ लिखवा दिया। ये ढल, ओ माय गॉड, XUV700 की हालत है नई वाली की। तो टायर्स वगैरह खुल गए सारे, देख लो अब हमें, हमने ड्रम ब्रेक अपनी वाली खुलवानी है तो लगी है वॉश होने। अब सर्विस वगैरह डन, सब कुछ कर लिया हमने, वॉशिंग के लिए लगा रहे हैं। इसका भी टाइम आ गया है। हेलो, बेचारी खाली हो गई है। बांटरा हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आज सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं इसकी सर्विस करवाने, जो कि कितने देर से मैं सोच रहा था, और अपॉइंटमेंट बुक ना होने के कारण इसलिए अब हमें सीधा जाना है और सीधा सर्विस करवानी है और आ जाना है। अब देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है, सब कुछ दिखाएंगे मैं आपको, कैसे सर्विस होती है इसकी, जो जो मैं शूट कर पाऊंगा मैं आपको सबको दिखा दूंगा। सबसे पहले तो उधर पहुंचते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर सर्विस के लिए लगाते हैं। क्या तेल शेल चेंज करेंगे, फिल्टर शिल्टर चेंज करेंगे, यही होता है, और ड्रम ब्रेक चेक करेंगे, ब्रेकिंग चेक करेंगे, बस शू वगैरह। ज़्यादा टाइम देखते हैं कितना टाइम लगेगा उधर, टाइम ज़्यादा लगता नहीं सर्विस वर्विस इतना, एक डेढ़ घंटा, डेढ़ दो घंटे सिर्फ सर्विस में लगेंगे, बाकी का टाइम लगता है कागज को इधर उधर वो करने में। तो चलो अभी चलते हैं, अभी इशीत भी आ रहा था, उसको बोला था मैंने आ जा, तो भाई भी जा रहा है अपने साथ, तो हम तीन जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, पहले रास्ते में मिलता हूँ आपको यहाँ से निकल के। और गाइस ये आ गया, तो भाई भी आ गया, सारे जा रहे हैं। मैं थोड़ा शूट नहीं कर पाया जब ये आया, क्योंकि मैं किसी को छोड़ना था नीचे तक, तो इसलिए फिर मैं उनके साथ आया था, उनका छोड़ के अभी निकल रहे हैं सीधा सर्विस करवाने के लिए। इतनी गर्मी में भी इतना जाम है आज, पता नहीं क्या चक्कर है, बहुत ज्यादा गाड़ियां, वो देखो कितनी ज्यादा लोग चल रहे हैं आज। जय माँ बावे वाली, बावे वाली माता के पास पहुंचे थे अभी हम। कहाँ से निकले, ऊपर वाले हाईवे से है, वे वाली साइड से क्या? चलो ठीक है, पहुंच गए हम महिंद्रा। तो चलो जी, पहले गाड़ी की एंट्री शेंट्री करवाते हैं, तो फिर उसके बाद अंदर चल के फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या होगा सब कुछ। तो चलते हैं पहले अंदर, XUV700 भी लगी। अभी हम यहाँ से एंटर होंगे, पिछले गेट से पहले उधर जा रहे थे तो वो बोलते इस गेट से जाना है, यहाँ पे तो गाड़ियों की लाइन काफी ज्यादा दिख रही है। अब टाइम पता नहीं कितना लगना यार सर्विस होने में। तो यहाँ देखो ब्लू कलर की XUV700 खड़ी है, ब्लू कलर की। तो चलो जब पहले हम गाड़ी चल लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये स्लिप वगैरह कट गई हमारी, तो ये जॉब कार्ड बनवाने गए थे हम, तो ये बन गया हमारा, सारा कुछ लिखवा दिया। तो अब इसके बाद देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, और लाइन ही लाइन लगी है गाड़ियों की। तो भाई ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी हमें, क्योंकि हाँ हमारे आगे अभी अभी 10 गाड़ियों का नंबर है, उसके बाद हमारी गाड़ी लगेगी, और तब तक हम बाहर आए कुछ खाने के लिए, अपॉइंटमेंट नहीं मिली इसी कारण इतना वेट करना पड़ रहा है। अपॉइंटमेंट मिली होती तो वेट नहीं होता। तो अभी हम आए कुछ खाने के लिए, तो देखते हैं क्या खाना है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें नहीं पता था कि अंदर ही कंटीन है, तो यहाँ पे अब रात में चावल खाने लगे हम, तो बाकी आप देख सकते हो बर्गर हॉट डॉग सैंडविच सब कुछ है। चलो पहले रात में चावल खाते हैं। तो ये आ गया अपने रात में चावल। चलो ऐसे देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, और क्या करना है, टाइम काफी ज्यादा लगना है। और यहाँ पे उन्होंने लगा ब्लास्ट, और ये प्यारा सा सीन, और अब ये देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये ढल, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। जनता का सस्पेंस देखो, ये देखो जनता देखो कितनी सीरियस होके देख रही है, ये देखो कितना सीरियस होके देख रही है। ओ लड़की मर गई बेचारी, बहुत दुखद घटना थी ये। गाइस हम ऐसे में टहलते टहलते आइए, देखो XUV700 की हालत नई वाली की, पीछे से पूरा कांड ही हो गया इसका बेचारी का। ये देखो पीछे वाला हिस्सा खत्म कर दिया, गाड़ी पूरी नई है, बिल्कुल चमचमाती, नंबर प्लेट टेम्परेरी लगा हुआ है, एक बार भी नहीं गाड़ी मेरे को लग रहा है घर गई होगी। ये है भी फुल टॉप मॉडल वाला ऑटोमेटिक वेरियंट, वो देखो सीट कैसे पीछे हो रही है।
तो लो जी गाइस, इतनी वेट के बाद टाइम हो गया 4:30-4:30 से, तो अब आया हमारा नंबर, तो हमारी वाली लग रही है अभी। तो चलो देखते पहले क्या करते हैं इसका ये। तो लो यार, सर्विस हो गई है स्टार्ट, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, कुछ तो कर रहे हैं, करवाते हैं अब अपनी पूरी गाड़ी की सेटिंग। तो टायर्स वगैरह खुल गए सारे, देख लो अब अभी हमने ड्रम ब्रेक अपनी वाली खुलवानी है और इसको साफ करवाना है अंदर से, तो ये लगे खोलने इसको। भाई ड्रम ब्रेक खुलवानी थी मैंने, चेक करनी थी ठीक है या कुछ, क्योंकि हैंड ब्रेक ज़्यादा ऊपर लग रही थी, तो ड्रम ब्रेक कह रहे हैं बिल्कुल ओके है। अभी इसको हवा शवा लगाएंगे और गाड़ी पूरी ऊपर चढ़ा दिया इन्होंने, अब इसका ऑयल वगैरह निकालने लगे हैं और बाकी देखते चलते हैं साथ साथ में। तो भाई देखो कितना ज़्यादा मोगला निकल रहा था, अभी जाके कम हुआ, इतना ज़्यादा निकला, इतना ज़्यादा 10-15 लीटर मोगला होगा मेरे ख्याल से। तो अभी अंदर से नेट ना बाशल से लगा रहे हैं, क्योंकि रूफ से इसकी जो साउंड आती है ना, टक 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 टक, इधर से साउंड आती थी बहुत ज़्यादा उस कोने से, तो उधर बाशल से लगा के इसको कर रहे हैं सेट। मैंने कहा हो जाएगा ना, कहते हैं हाँ हो जाएगा, तो अब देखते हैं लगवा के जाते हैं, देखते हैं आएगी दोबारा तो फिर लगवाएंगे फिर से दोबारा चेक, बाकी आगे वाला मोबाइल वगैरह फिल्टर वगैरह चेंज हो रहे हैं। तो सर्विस हो गई ख़त्म गाइस, तो बस अब एक चीज़ डालना रह गई है, जो BS6 गाड़ियों में डलता है ना यूरिया होता है, वो इसमें डलता है, तो वो डालना भी BS6 गाड़ियों में आता है, ये चीज़ डालते हैं सारी BS6 गाड़ियों में, तो बस वही डालना है, 13 लीटर डालेगा। बाकी गाड़ी ओके है, पूरी हो गई है कंप्लीट, सब कर दिया, टायर शायर सब चेक करवा दिए, सब कुछ हो गया, अंदर जो रूफ से आवाज़ आती है वो भी कंप्लीट। तो ये डालते हैं पहले, तो लो जी आगे 12-13 लीटर आया, 6-12 लीटर पड़ेगा, 7.5 लीटर है इसमें, चल पड़ेगा अगले 10,000 किलोमीटर तक, और ये लगे हम डालने, तो ये वो डल रहा है अभी, डलेगा 12 लीटर। तो लगी है वॉश होने, अब सर्विस वगैरह डन, सब कुछ कर लिया हमने, वॉशिंग के लिए लगा रहे हैं। वाह शेर वाह, क्या हैवी ड्राइवर था भाई। तो लो अभी चढ़ गई उसके ऊपर, तो गाड़ी हो रही है उधर साफ, तो मैं चलता हूँ बिल कटवा कर आता हूँ पहले, बुरी हालत हो गई यहाँ पे पूरे दिन से यार गाइस, पूरी हालत। तो गाइस सर्विस हो गई डन, देखो कैसे चमचमार हुई है, नीचे भी हमारे पेपर वगैरह रख दिए इन्होंने, तो चलो अब निकलने लगे हैं, गेट पास हमारे पास आ गया, तो लेट्स गो। तो निकल चुके हैं घर के लिए, तो गाइस अभी ना कसम इतना मज़ा आ रहा है ना गाड़ी चलाने में, इतनी सॉफ्ट हो गई है इतनी ज़्यादा, और जितनी आवाज़ें थी सब बंद हो गई हैं इसमें। आई एम वेरी हैप्पी विद यू महिंद्रा सर्विस, क्योंकि जो खड़खड़ कर करती थी वो अभी बंद हो चुकी है, अब जैसे देखते हैं कल परसों ना आ जाए, तो एक दो दिन चला के देखते हैं अच्छे से क्या होता है। और यहाँ जो बुर्ज खलीफा लगाया था वो हमने उतार दिया, और भाई ने मेरे ख्याल से पॉलिसी मारते हाथ मारा वो निकल गया था, तो अब उसको टेप शेप लगवाएंगे जाकर, तो अब जा रहे हैं घर पर, आगे रास्ते में मिलूंगा अब आपको कहीं। तो गाड़ी कर दी हमने पार्क, अभी हम आए कुछ खाने के लिए, तो जा रहे हैं अभी हम मामा जी के पास कुछ खाने के लिए। तो फ्राइड राइस खा के हमारी भूख हुई है खत्म, तो चलो अब आगे निकलते हैं घर को। तो गाइस खा पी के निकल रहे हैं अब हम घर के लिए, रास्ते में मैंने एक जिम का बैग लेना था साथ में, और एक चीज़ और लेनी थी, तो अभी हम पहुंचे हैं नीचे अपने गांधीनगर में, बाहर निकले गांधीनगर से, तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं यार घर पे। तो गाइस अभी अशोक के पास पहुंचे, ये जो उतर गया था ना मेरा बुर्ज खलीफा, ये लगाऊँ लगवाने, आज पपन भैया को दिए मैं डबल साइड टेप लगाने के लिए, गए हुए हैं मैं भी जा रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ और लेनी है यार। तो लो यार मैंने चिपका दिया इसको, ठीक है अच्छे से जोर से चिपका दिया मैंने इसको। तो गाइस टहलते टहलते पहुंच चुके हैं हम अपने रूपनगर, तो अभी मैं समझ रहा हूँ यार मैंने ना जिम वाला बैग लेना, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से लूँ, कहीं मिल नहीं रहा है जगह, तो शॉप नहीं मिल रही है, बट ढूंढता हूँ पहले शॉप यार, कोई सुबह जिम भी जाना है हमने, कल सैटरडे है तो जिम तो जाना जरूरी है, अब देखता हूँ यार कहाँ मिलेगा बैग, आज पूरे दिन खच्चर हुए ना, खच्चर तो नहीं है मतलब काम करवाया, लेकिन बुरी हालत हो गई यार, पूरे दिन वहीं पे गए, 11:30 बजे निकले घर से, अभी 8:30 हो रहे हैं, सोच लो कितनी देर वहाँ पे ही गुजारे हमने आज। ओह माय गॉड, ये देखो बच्चा इंजॉय करते करते जा रहा है। चलो यार अभी हम भी जाते हैं, पहले बैग ढूंढना मैंने यार, इसका भी टाइम आ गया है, बेचारी खाली हो गई है, बांटरा तो इसमें तेल डलवाते हैं यार। हेलो देखिए जरा कितनी सुई चढ़ी है मित्रा की, कहां ले आ रहे हो फोन आ रहे हैं
फुल होने से एक डंडा रह गया। तो गाइस यार आ गया हूँ घर पे, वापस बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो अब करते हैं इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं अब आपको कल के ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या सीन बनता है। तो ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।